अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी तू की चौधरियां चौधरियां दी फसलां होंदियां ने चौधरियां दे फैसले पिंड होंदे तुसी अपना तारफ कराओ केड़ा चौधरियां तू मैं हूं की घर ना लै गया मैं फसला जाए वो कोई गंडे प्यार अच्छा बाकी तेरी लुत्ती बहुत चल रही है दसन लग गया तू किताब तो पढ़ना मतलब देखो मैं नु कह रहा चौधरी केड़ा तू केड़ी केड़ी तेरे शजरा नसब की है बहुत दूर दी गल शायद है तू सिर्फ गौर करते जाना बस नादरी ए ओ चौधरी जिन्नू कहदा चौधरी सारी गली का कूड़ा चुक लिया साडा उदा ही पिया है तुसी बहुत पुरानी लाई है शो दे हिसाब नाल सूट नहीं तुहानू कीती कोई नवी लाओ ते तेरे फैन ए फैसला वाम करेगी तू नहीं करना चौधरी केड़ा वा तू केड़े चौधरी होंदे ना मतलब शाजी आपको समझ आ रही मैं क्या पूछ रहा हूँ बताएगा बताएगा हाँ जी बताएगा बताएगा पाइन केड़े चौधरी हो चोरी भाई जल्ला शुक्र जे जमींदार होंदे ने जेड़े ठीक ठाक होंदे ने प्रॉपर्टी वाले होंदे और केड़ी चौधरी होंदे दसो हुण ते मरे तू 10,000 रुपए दी तार पैंदी दंदा नु केड़ा चौधरी है केड़ा चौधरियां दा बच्चा वा अजकल माड़े माड़े बंदे पैसे पा के वाल लवा रहे दंद सीधे करा रहे तू केड़ा चौधरियां दा बंदा मरे इंज लगदा गलत ट्रैफिक लंघ गई दंदा चो मेरी गल सुन चल मैं तेनों एक मौका देना मैं शेख हाँ हाँ तू मैं पूछ केड़ा शेख हाँ मैं तू कह जी ढोल बजाने वाला मैं कहूँ हाँ जी फलाने वाला कंजूस मैं सारा मनू तू दस केड़ा चौधरी हाँ असि अल्लाह के शुक्र भाई जन मुरब्बे वाले मालक हाँ ऐ चू मुरब्बे वाले जिते अच्छे जो करियाने की दुकान उन्होंने को भी होंगे मुरब्बे खाधा हजार मैं पसंद ही नहीं मैं खाँदा ही नहीं ये कि गल मेरे हजम ही नहीं कर सकती खान साहब नहीं खाते हाँ चलो जी मैं अच्छा जी मैं अच्छा कौन रुड़ जानी था कसमें यार चोरी साहब मेरी गल नहीं 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 भाई उस कमाओ भी ना यार ना कौन डील पे नहीं कमा लो मैं किसे ने क्या मैं चौधरी हूँ मैं क्यों कमावा तू ही चोरी से जी तो मैं क्यों ना गल करा मैं तो चोरी ना गल करनी चौधरी ने गल ऐसी नहीं होती मैं लैनी एक चोरी उधर के चोरी साहब फैसला करा दो खेत सुभा मेरे अपने घर रौले पे ने लो जी मेरी गल सुनो सारा कुछ छड़ दियो तू कसम खा के जी मैं गल की है कि चोरी उन्होंने कहा रौले उन्हें कहते मैं पहले भी कितने सुनी है यह गल घर अपना रोल है वेखिया ना जी मैं गल कर रहा है पुरानी नवी यार जानी अच्छा चलो मजाक कॉमेडी करो या पर्सनल कॉमेडी कर रहा ओए अल्लाह दी कसम कॉमेडी कर रहा मेरा स्टाइल ऐसा वा तू आप ही उस पास जाई जा रहा आ तू हटना फिर नहीं क्योंकि तू चौधरी है तू अगे भी तीन बार मैंने कहता है कि चलो कोई गल नहीं हूँ सही तो तू फिर नहीं हटता मेरा माइक जाता नहीं दूर तक मेरे माइक की रेंज चौधरी तक असर चौधरी तू अपनी रेंज होते ला यार मेरा माइक मैं कान लाई हो अपना ऐ दे मेरी गल सुन आ देखी मैं हूँ की करा चौधरी तो एक कैटागरी है ना कि यार है चौधरी सामने एक बरादरी होंगी वो की है गुजर गुजर चौधरी हाँ जी ऐ गल कर गुजर हाँ तू गुजर बादशाह हाँ क्यों सर यस क्योंकि चौधरी हर जगह नहीं चलता गुजर जिथे मर्जी चला लो क्योंकि वो हकीकत आ चौधरी च रौले वाली गल आ क्योंकि तू जुगतं भी मारिया ने फलाना हों फलाना हों फलाना हों फिर तू इंज इंज भी किया इस तो चौधरी हर जगह अपलाई नहीं करना बच्चों कर लेना वो मान जाएंगे सर थैंक यू वेरी मच बहुत शुक्रिया ताडा सर बहुत शुक्रिया थैंक यू ना ना सर मैं गले ऐसा प्या दूँ सर बहुत शुक्रिया तू उदा कह देना कि पाने तर ना आओ थैंक यू वेरी मच बहुत शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप मैं ठीक ठाक आप इतनी खूबसूरत लग रहे हैं और बड़े रीजनेबल तरीके से बैठे और आप को लग रहा है कि ये मतलब क्या चवले मार रहे हैं नहीं आप इंजॉय कर रहे हो आपकी बातें आप इंजॉय कर रहे हैं तो आपके साथ दोस्त भी आए कोई हाँ जी दोस्त नहीं है खाना शाना खाने या वैसे ही आप अभी नहीं, खाना खाने आए वो जो उन्होंने मटन अंदर दबा हुआ है दबा हुआ है वो जो आप क्या करते हैं
मैं जॉब कर रहा। अच्छा माशाल्लाह, तो खाना इधर खाने आए हैं सारे आपके पास जाते हैं? फास्ट फूड है, ये देसी फूड है, ये स्लो फूड है, और ये इतना स्लो फूड है, 3 घंटे हो गए मैंने कही जा रहे हैं, आधा घंटा इतना स्लो फूड है ये, आप साथ लगाए नहीं मैंने जाना, उन्होंने पैसे मंगने ना को मैं मुफ्त खाना। लो जी सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आपका नाम? फरहान भाई। अच्छा सर, आपका नाम? विकास। ये होती है बात, यह होती है गलबात का तरीका। सर ताड़ा? अब्दुल्ला। माशाल्लाह, आपको तो मैं अभी मिलके गया हूँ। फरहान। अच्छा सर, यार आप थोड़ा इधर आ गए हैं, माइक जरा ना, मैं दूर जा रहा है मेरा, आप वहीं पे जो मुझे फंसा रहे थे कि वो 500 रुपया मैंने नहीं दिया, आप वो ही हैं, क्या करते हैं आप? मैं आर्किटेक्ट डिजाइनर हूँ। आर्किटेक्ट वो जो नक्शे बनाते हैं पाने के, मेरे को जगह वा इधर आ जा, काम मिलने लगा। अब तुसी इधर आ जाओ, कोरोना दे बाद तुसी इधर आओ, मेरे को सारे एक जगह वा, हालांकि बड़ी मुश्किल ना लभदी जगह, बड़ा रौला होंदा जगह दा कि किते अपनी जगह होवे, बंदा उत्थे चार दीवारी छत छुत बना लवे, जगह दी वजह तो बड़े बंदे जलील होंदे फिरदे ने रोड़ां दे इधर उधर किराया दे, ते मेरे को जगह तड़ को की है नक्शा तेरी जुदाई का। अच्छा सर दसो कि जगह हैगी है तकरीबन पौना क मरला, उधर की बन सकता है? उसमें बड़ा यूनिक किस्म का बाथरूम बन सकता, पूरे एको था ही। हाँ जी, बेहतरीन पौने उसमें बेडरूम भी होगा, बाथरूम भी होगा, और बाथरूम की बड़ी स्पेशलिटी होगी उसमें। पौने मरले में क्या मतलब? मतलब उसमें ये होगा कभी भी गीला फर्श होगा और आप अगर फिसल के गिर जाएंगे तो आप गिरेंगे नहीं। यार ये अच्छा तरीका है, यानी कि ये सहूलत है मुझे, और दूसरी बात ये है कि मुझे वो वाशरूम भी ऐसा होगा कि मैं मतलब अगर ऐसे करूंगा तो कौन ही कंध च नहीं नहीं ऊपर जाएगी, अगर लक चेंज करेंगे तो छत च, यानी मैं अरेस्ट टैप होकर नहाना पड़ेगा उसे कि जी मैं अरेस्ट होया है। कमर अगर रगड़नी होगी तो आपको दीवार से मसलना पड़ेगा, तो हाथ में नहीं, मैं फिर साबन ना, मैं दीवारों से साबन ला दवा तो उन्होंने इंज इंज करके सारा नहा रूंगा बाहर, बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। यार गुड, यार ये होता है कारोबारी बंदा, उसने ये नहीं कहा कि जी पौने मरले जी की बनेगा, उसने कहा भाई और क्या बन सकता है उसमें, और काफी कुछ बन सकता है जो आपकी रिक्वायरमेंट होंगी, फुटबॉल खेलने के लिए कुछ थोड़ी सी जगह, बिल्कुल थोड़ी सी जगह, फुटबॉल डिपेंड करता है आपने कैसी खेलनी है। अचानक अच्छा फुटबॉल खेलने के लिए जगह बन जाएगी? हाँ जी बिल्कुल बन जाएगी। खेलूंगा मतलब किस तरह बनेगी वो कि मैं क्या? आप फुटबॉल खेलेंगे? हाँ। बॉल होगी, फुट होगा और आप खेलेंगे। तो वो कितनी खुली जगह होगी? बहुत खुली। कितने लोग खेल लेंगे उसमें? यही जितने पौने मरले में आ जाएंगे आपके, बाथरूम की जगह निकाल दें, बाकी जगहों में आप फुटबॉल खेल सकते हैं, बस बाथरूम का। तो बेडरूम किधर बनेगा? बेड भी चाहिए आपको? बेडरूम भी चाहिए भाई, घर है। अच्छा, पौने मरले का पूरा घर बनाना है आपने, तो बेडरूम भी बन सकता है आपका। और टीवी लॉन? टीवी लाउंज जो है वो थोड़ा सा छोटा बनेगा, ड्राइंग के अंदर से जगह निकाल लेंगे हम तो लाउंज। नहीं नहीं, वो थोड़ा छोटा बन जाए, बाकी चीज़ें जब इतनी खुली बन रही हैं तो वो थोड़ा छोटा भी हो जाए तो कोई बात नहीं, ऐसा कर लेते हैं। ड्राइंग डाइनिंग को भी छोटा कर लें थोड़ा सा। ठीक है। और गाड़ी का पोर्च आपको चाहिए होगा? गाड़ी जारी बात है, मैंने खड़ी करनी है गाड़ी, भाई भी आ जाता है कभी कभी, उसके भी पास गाड़ी है। अच्छा, गाड़ी खड़ी कैसे करेंगे आप? मैं ब्रेक लगा के। ब्रेक लग के गाड़ी खड़ी हो जाती है? हाँ, ब्रेक लगाओ गाड़ी खड़ी हो जाती है। और बाइक भी होगी आपके पास? बाइक नहीं, छोटा बाइक नहीं है कोई? नहीं, हैवी बाइक है, वो एक साइड पे भी आ जाएगी, दो गाड़ियां खड़ी हो जाएं, बेडरूम बन जाए, फुटबॉल का छोटा सा ग्राउंड, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बड़ा, मुझे पता है जगह थोड़ी है, फुटबॉल का ग्राउंड, वॉशरूम अच्छा, ठीक है, और सिंगल पोर्शन बनाना है। आपको लॉन्ड्री का एरिया चाहिए होगा? वो जाहिर बात है, वो कपड़े नहीं धोने। ठीक है, और पाउडर रूम आपको बाहर भी, वो भी चाहिए होगा? वो भी चाहिए। ठीक है, छोटा सा स्विमिंग पूल अगर बन जाए जिसमें मैं खड़ा रहूं बस। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, वो वॉशरूम के साथ ही जो छोटी सी नालियां बनाएंगे उसके साथ हम जगह निकाल लेंगे। यानी मैं स्विमिंग पूल में खड़ा होके बुकों के साथ ऐसे ऐसे पानी पूर। है ना, यहाँ जो आप गाड़ी खड़ी करते हैं इशारे पे तो वो एक बोतल लेके नहीं आते जो शीशे पे, उस तरह की लेके नीचे से भर के उसके ऊपर से ऐसे ऐसे, वो
वो अगर आप कहते हैं तो पेशियो भी रख देंगे जो ओपन टू स्काई होगा आपका, तो वहाँ से आपको फ्रेश एयर, तो वो फ्रेश एयर के लिए भी आप वो रखेंगे वो हॉल टाइप कुछ ऐसा ही है। ठीक है, आपकी मेरे ख्याल से रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती पौने मतलब हो गई हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये आप बना लेंगे। आप इमेजिन करें मैंने बना दिया। कहते हैं ना दिल में जगह होनी चाहिए पौने मरले में। अगर गेस्ट आ जाते हैं बाहर से, कोई दोस्त आ जाते हैं 8-10, तो उनके लिए हमने गेस्ट बेडरूम डिस्कस किया था लास्ट मीटिंग में हमारी। पौना मरला जगह है? हाँ जी, यानी एक मरले से भी कम? हाँ जी। तो ये उसका आप बता रहे हैं? जी जी। यार आप जनरल कारोबारी आदमी है, सच्ची बात है, बिजनेसमैन माइंड है आपका। पैसे आप कितने पैसे लेंगे इस चीज़ के? मैं आपसे लूँगा तकरीबन 4.5 लाख रुपये। 2,70,000 दी मैं जगह लई। लग रहा पौना मरला नहीं ज्यादा। और जिथे मैं जगह लई है ना, ताड़ा आन जान का रोज 1600-1700 किराया लग गया करना, इसलिए मैंने 4.5 लाख रुपए मांगे आपसे। शायद उन्होंने पहले मेरा पता लग गया कि क्यों कुछ करेगा। नहीं नहीं सर, बहुत आप वाकई बिजनेसमैन है सर आप। मैं इंजीनियर हूँ। ओहो लो जी, अगला काम भी हो गया जी। आप मेरे पौने मरले में क्या क्या कर सकते हैं, क्या आप मेरे लिए कर सकते हैं? नहीं मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मरले का कुछ नहीं होना। मेरे पौने मरले को कोई ऐसा सॉफ्टवेयर मार के थोड़ा खुला नहीं कर सकते? जिस तरह का मरला खुला नहीं हो सकता, वो उतना ही रहना है। आपको एक्टिंग का शौक है? नहीं। थोड़ा बहुत आप पहले कहने लगे थे थोड़ा बहुत है? नहीं। आपने जो पॉज लिया ना, ये आप कहने लगे थे? और नेचुरल होगा ना? है नहीं है। नेचुरल है थोड़ा बहुत है ना। अभी थोड़ी सी एक्टिंग करें हम? नहीं एक्टिंग नहीं, मैंने आपसे कुछ करवाना है। मतलब क्या करवाना है? आपकी मैंने एक पोएट्री सेगमेंट में सुनी थी आपकी, लास्ट एपिसोड था आपका कहीं लाहौर में ही, मैंने वहाँ पे पोएट्री सुनी थी आपकी, वो सुननी आपसे। इसी तरह के रेस्टोरेंट में थी ये 15-20 दिन पहले, उसमें तो वो जो लड़के बैठे थे वो तो बहुत सुनाई थी उन्होंने। मैंने सुनाई थी? आपने सुनाई थी वो कथई आंखों वाली? तेरी कथई आंखों में है जंतर मंतर साहब राहत तंदूरी साहब की, वाह 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 यार, वो सुनी आपने। उससे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, आपकी बाइक खराब हो गई है, स्टार्ट नहीं हो रही, ठीक है, चाबी आपने जोर से ऐसे की है तो वो आधी अंदर टूट गई है, बाइक खराब हो गई है, चाबी अंदर टूट गई है, आपने इसको बताना है, आप कहीं गए हैं मिस्त्री ढूंढने, आगे से ये मिस्त्री है, आप है गूंगे, आपने इसको बताना है इशारों से कि मेरी बाइक उधर ख़राब हो गई है, उसकी चाबी भी आधी टूट गई है, तो प्लीज़ मेरे साथ आए। तो आप इसको कैसे बताएंगे, ये मिस्त्री है, आप गूंगे वो हैं मुतासरा शख्स जी? नहीं आप इशारों से बताएं इसको, बोलना नहीं आपने। की समझ आई सानू? तुसी ये समझो कि तुसी पहले कुछ नहीं सुने, की समझ आई? तुसी ये नहीं जेंज रखना कि पहले तुसी गल सुनी है, तुसी न्यूट्रल हो जाओ कि हुणे बंदा आया, तानू की समझ आई एदी की समझ आई? कहना मैं घुमा रहा था कुछ और फिर सीधा हो गया। मैं बोल सकता हूँ ना अभी तो? हाँ मैंने, मुझे तो बोले ना, लेकिन वो आप कह रहा है आपने, आप इसको बताना है कि चाबी आधी अंदर टूट गई है, वो कैसे बताएंगे? ये चाबी वाला ना, तो इसको समझ आनी चाहिए ना कि मैं चाबी की बात ही कर रहा हूँ। अच्छा ये क्या समझ आनी चाहिए, आप ऐसे करके ऐसे करते तो उसे क्या समझ आएगा? और चल दोबारा ट्राई कर ले। हाँ करें। ओके सिर्फ चाबी का बताएं कि चाबी बाइक में आधी टूट गई है और चाबी नई बनानी है, तो खाली चाबी का कैसे बताएंगे, उसको बाइक का भी तो बताना पड़ेगा ना पीछे। वो आप बताएं ना। अच्छा तो ऑफ हो गया, अभी नहीं पता चल रहा। आपकी शादी हुई है? नहीं अभी नहीं हुई। आपकी शादी हुई है, आपकी साली का बेटा गुम हो गया है, आपने इससे पूछना यार मेरी साली का बेटा गुम हो गया कहीं देखा तो नहीं, इशारे से पूछे। आप गैस करते जाएं साथ साथ, जो जो आपको लग रहा है बोलते जाएं। ओके दोबारा करो। बची अंगूठी, तेरी अंगूठी, तेरी अंगूठी बची लेके भाग गई है। लो जी शेर था, एक और शेर सुनाऊं पहले उससे? शायरी से मुझे बड़ा लगाव है, लेकिन अच्छी खूबसूरत शायरी जो सीरियस। कहते हैं कि रोएंगे देखकर वो बिस्तर की हर शिकन को, रोएंगे देखकर वो बिस्तर की हर शिकन को, वो बात लिख चला हूँ करवट बदल बदल। कितनी गहराई वाला शेर है कि आप अजियत से किसी का वेट कर रहे हो बिस्तर पे लेटे, और आप जो
पलसटियाँ मारते हैं कभी इधर बेचैनी में, वो नहीं आया तो आप उठ के चले गए हैं, तो वो जो शिकने बनी हुई है ना, वो लिखा हुआ है कि मैं कितना वेट करके गया हूँ। समझ रहे हैं? अच्छा जी, आप कथई आंखों में हैं। वो आपने मुझे नाम लेके मुझे वो आपने करना है ना, क्या मेरे लिए? क्या नाम है आपका? वकास। वकास भाई को डेडिकेट करते हैं, डेडिकेट कर रहा हूँ वकास भाई को। अर्ज किया है कि उसकी कथई आंखों में है जंतर मंतर सब, उसकी कथई आंखों में है जंतर मंतर सब, चाकू वाकू छुरियां वुरियां खंजर वंजर सब। जिस दिन से तुम रूठी हो मुझसे रूठे रूठे हैं, ये बड़ा मजे का शेर है। जिस दिन से तुम रूठी हो मुझसे रूठे रूठे हैं, चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर विस्तर सब। मुझसे बिछड़ के वो भी कहाँ पहले जैसी है, मुझसे बिछड़ के वो भी कहाँ पहले जैसी है, फीके पड़ गए कपड़े वपड़े जेवर वेवर सब। थैंक यू सर। राहत तंदूरी साहब बहुत अच्छे शायर थे, उनकी डेथ हो गई है जो 2-3 माह पहले। शाखों से गिर जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधियों से कह दो औकात में रहें, 2 गज ही सही लेकिन ये मेरी मलकियत तो है, 2 गज ही सही लेकिन ये मेरी मलकियत तो है, ए मौत तूने मुझको जमींदार कर दिया। राहत तंदूरी साहब, सर बहुत शुक्रिया। अभी हम बकरे का, ये मैं कॉमेडी जो करता हूँ ना सर, ये मैं एक्ट करता हूँ, वैसे मेरी बड़ी सीरियस रूह है अंदर। आपकी मैं ना पोइट्री एक दो सुनी है आपकी, आपकी मुझे फनी से ज़्यादा पोइट्री ज़्यादा अच्छी लगती है आपकी। अच्छा। वसी शाह भाई, मैं ऐसा शायर हूँ, मुझे मुझे आप किसी भी टॉपिक पे को मैं आपको शायरी सुना सकता हूँ, मतलब कोई आप फिल्म भी बता दे टॉपिक में आपको शायरी बना के सुना। कराची गए हुए हैं आप, ठीक है, बारिशें बहुत हो रही हैं, रक्षा खराब हो गया, अब रुके हुए हैं बीच में, अब आप शायर तबीयत के भी हैं तो आपने उस पर शेर पढ़ा, कोई 6 घंटे हो गए आपको इंतजार करते हुए लेकिन मदद नहीं आई। नादरी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मैं नहीं नहीं मैं सुनाता हूँ, लेकिन ब्रेक ले लेना एक ब्रेक के बाद, और आखिरी ब्रेक, आखिरी ब्रेक में मटन ना ना आया, मैं कीटे माटे मटा जाने सारे थो, मैं तो लिख जाना कि यहाँ पे ना आना, ये कुछ टाइम पे नहीं देते। लो जी नादरी एक ब्रेक, ब्रेक के बाद यहीं पे बैठे दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। ट्रकटा होटल में बैठा हूँ, मेरे साथ दोस्त बैठे, बात हो रही थी ब्रेक से पहले, शिपाइन तुसी शायरी की गल की थी, आपने सिचुएशन दी थी कि रिक्शे में कोई बंदा आ रहा है, बारिश बहुत पड़ रही है, दोबारा जरा बताइएगा। आप कराची गए हुए और बारिश हुई है बहुत ज़्यादा और पानी बहुत खराब है, आप रिक्शे में जा रहे थे, रिक्शा ख़राब हो गया, अब आप 6 घंटे से वहाँ फंसे हुए हैं और कोई हेल्प के लिए नहीं आ रहा आपकी, तो उस पर कोई शेर सुना। वहाँ पर मैंने शायरी कहनी है उस सिचुएशन पर, 6 घंटे से फंसा हुआ रिक्शे पे, क्या हूँ, बारिश हो रही है। सर अर्ज किया है, ये बारिशें इतनी भी अच्छी नहीं फराज, मेरे रक्षा ओ तलातम में फंसे हुए आंसू, मैं ज़मीरे मुतमईने भीगों में जा रहा हूँ। आप बारिशों तक तो ठीक था, ये रक्षा ओ तलातम क्या होता है? ये मेरा एक स्टाइल है लखनवाई शायरी में करता, ये रक्षा आया बीच में, अभी चिक्कड़ भी आएगा, वेट भी आएगा, आप पहले वेट करें, उसमें फिर सारा कुछ आएगा। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आपका रिक्शे वाला आपके साथ है, वो कहीं नहीं गया? मेरा रिक्शे वाला मेरे साथ है तो मैं मुतमईन हूँ, वरना शायद ये अंधेरी नगरी मुझे ले डूबती, ये पानी गोडों गोडों तक, ये भीगे तेरे भीगे मेरे भीगे बदन की खुशबू से। सर सर सिचुएशन बदल दी है आप भाई, मैं भीगा हुआ हूँ, बारिश हो रही है, छतरी है, कोई बदलने सिचुएशन ना, कोई अच्छा सुना है। मेरी जीस्त के चक्कर में मैं लेट हो गया, मेरे रिक्शे वाले से किराए दूर रह गए, मैं 6 घंटे से फंसा हुआ हूँ एक अजीब सरमंडल में, मेरी जिंदगी लग रहा है जैसे यहीं तक रह गई है। क्लैप। अच्छा जी आप बारिश पे सुनाएं। यार फनी नहीं सुनाया भाई, मुझे लग रहा था आपकी जगह को अकलमंद बंदा होता उसने रोते होना था। नहीं मैं रोने लगा, समझ नहीं आ रहा था, अगर रो ही पड़ूं। जी बारिश पे सुनाएं। इन बारिशों के मौसम में तुम्हें याद करने की वो आदतें पुरानी हैं, अब की बार सोचा है कि आदतें बदल डालें, फिर ख्याल आता है आदतें बदलने से बारिशें नहीं रुकती। मजा नहीं आया, नहीं आया, खत्म हो गया।
इस तरह के मैं 1000 शेर सुनादा तानू। वो कहती थी मुझे मैं तेरी हूँ तू मेरा है, अब वो बदल गए ज़माने, वो कहीं और चली गई मैं इधर आ गया, उसने मुझे फ़ोन तक नहीं किया, मैं आज भी इंतज़ार में हूँ, मोबाइल पकड़ के सारी रात मैं देखता हूँ इंतज़ार है यारे काल। नाइन्थ क्लास की लव स्टोरी ना भाई, आप यही कुछ था सर। शेर सुनाने लगा हूँ, गज़ल थोड़ी सी सुना लूँ, इजाज़त हो तो। इधर आए, इधर आप फिलहाल यहाँ पे बैठे क्योंकि आप बड़े हैं, ये खड़े हो जाते हैं, कोई इशू नहीं, ये हर मसले में कोई किसी का भी मसला हो ये बीच में ये खड़े हो जाते हैं। हाँ जी, आपका आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अशफाक है। तो आप शायर शायरी से लगाओ? वो मेरा शौक है वैसे, कभी कभी खुद भी लिखते हैं या नहीं? लिखा लिखाया पढ़ते हैं? लिखा लिखाया पढ़ता हूँ, जो अच्छा लगे वो। अभी क्या सुना रहे हैं? एक गजल सुनाने लगा हूँ। सुनाए। चले जी। मेरे महबूब तेरी ये शोक निराली आंखें, कहीं देखी ना सुनी ऐसी ख्याली आंखें, हुसन वाले तुझे कुदरत ने बनाया डब से, हुसन वाले तुझे कुदरत ने बनाया डब से, मैंने मांगा था तुझी को दुआओं में रब से, वाह तुझको देखा तो दुनिया से हटा ली आंखें, मेरे महबूब तेरी ये शोक निराली आंखें। वाह वाह वाह। कोई शायर तेरी तारीफ में क्या लिखेगा? सही गल है। कोई शायर तेरी तारीफ में क्या लिखेगा, मुखड़े को चांद तो जुल्फों को कटा लिखेगा, होश खो बैठेगा जो तुझको तुझसे सिवा लिखेगा, तुझको देखा तो दुनिया से हटा ली आंखें, मेरे महबूब तेरी ये शोक निराली आंखें। यार क्या बात है, मेरे महबूब तेरी ये। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, माशाल्लाह। नरगिसी फूल हैं, हंस हंस के खिली जाती हैं, नींद के बोझ से शर्मा के झुकी जाती हैं। अब उठ के आए ना, मजा आया ना, छटो। इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा तेरा तलातुम है कुछ तो ख्याल कर। अर्ज किया है पंजाबी च, अर्ज किया है, पुरजा गालिब गालिब साहब फरमाते हैं, कहते हैं कि दूरी अच्छी भी होती है कभी कभी। वो यार सच मुझे शेर बन गया। दूरी अच्छी भी होती है कभी कभी, इतना इसरारे तलातम नहीं करते। रोवो रोवो, मैं ताड़े तलातम मार मार के ताड़ा बुरा हाल कर देना। पैना मेरा बकरा यार, मटन ओए छिड़ दे साजी, अंज मार छटवा पैने, तो पूरा ही बकरा वा। मैं एक मिनट, ओहो हो हो भाईजान, यार देखो मैं आपको पहले भी बताता हूँ कि मेरा वो हिसाब नहीं है, भैन के मैं इतने बैठा हाँ, इन्होंने बड़ा प्यार किया, बड़ा माहौल बनया, खाना खवाया, तो मैं झूठी तारीफ करके निकल जावा कि यार चलो इन्हों का ऑर्डर चल जाए, ऐसा कोई चक्कर नहीं, अगे तो बुलाना है, बुला लेना, नहीं बुला ना बुला, मैं वही दसागा जो मैं लगा। ये बहुत मज़ेदार है तलातुम, बकरा टेस्ट बहुत मज़ेदार है, कोई मतलब इसमें नहीं है। चावल है ये, मुझे थोड़े थोड़े जैसे सख्त होते ना ऐसे लगे हैं, जो जैनवन बात है, या हो सकता है मैं क्योंकि बहुत पपा टाइप खाता हूँ तो इसलिए, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा है। तू अगर अपना नहीं खाता ना खा, मेरा भी ना खा। नादरीन आप बहुत ख्याल रखिएगा, यहाँ पे आके ट्राई ज़रूर कीजिएगा और इंशाल्लाह ताला आपको मज़ा आएगा। ये है ट्रक अड्डा, आपने वो उसको नेटिफिकेशन क्या कहते हैं, नेविगेशन तलातू में नेविगेशन, वो आपने उस पर डालना है और आपने यहाँ पे सीधा बकरे के पास। बहुत शुक्रिया नादरीन, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। मेरे को मजीद सब्र नहीं हो रहा। अस्सलामुअलैकुम नादरीन, मैं हूँ सजाद जानी, बड़े अच्छे रेस्टोरेंट पे, इसलिए जब मैं थोड़ी उर्दू बोलूँ ना आप समझ जाया करें कि मैं किसी अच्छी जगह पे हूँ, और शर्ट भी मैंने फुल जो अच्छी अपनी तरफ से निकाल के पहनी है, पैंट भी और शूज़ भी।
और ये रेस्टोरेंट बड़ा अच्छा है, अभी ओपन हुआ है, तो नाम इसका बड़ा मज़ेदार है कि ट्रक कड्डा। और इन्होंने जो साइडों पे पेंटर से लिखवाई हैं लाइनें, पहले तो मैं उस राइटर का पता ढूंढ रहा हूँ कि ये किसकी सोच थी जिसने इधर, मैं आपको पहले दिखाता हूँ। इधर देखो, पप्पू यार तंग ना कर, नवा आया सोने रोल गया पर चस बड़ी आई है। यह सिर्फ इसो लिखा जाता है कि थोड़ा जरा अट्रैक्शन हो, वरना लोग इदा के नहीं, जेडे इतने के ऑनर ने ना बड़े तमीज़ वाले ने, लेकिन यह उन्होंने जोड़ा किया ना, उन्होंने इसो किया कि लोग पढ़ के नज़र जाए एकदम कि यार है कि। तो इसो देखो रंग भी पीला लाल, होर भी मैं तुम पढ़ा थले देखो, खूह भी जे खारे खूह मिठे नहीं होंगे भावें लखा मन खंडा पाइए, ऐ भी यानी खाना भी मिलेगा तुहानू, तुहाडी सलाह भी होएगी। खैर भैन की होया, अच्छा हले ओपनिंग हो रही, अभी इसकी ओपनिंग होनी है होटल इसकी रेस्टोरेंट की। हाँ जी, तो आप पहले ही आ गए, खैर है। इसकी सेटिंग शूटिंग कर रहे हैं हम अभी आप इसकी सेटिंग कर रहे हैं, इसकी सेटिंग कर रहे हैं, और उधर एक ट्राई कर रहे हैं, एक बकरे का खड्डा बकरा बना रहे हैं हम। बकरा क्या कर रहे हैं? खड्डा बकरा है जो खड्डे में तैयार होता है, उसको क्या कर रहे हैं? वो तैयार हो रहा है, वो तैयार हो रहा है। कितनी देर तक? बस वो आपको खाना खिलाएंगे उसी का इंशाल्लाह। बकरे का वो दम पुख्त टाइप दम पे लगा, अच्छा दम पे लगा हुआ है, तो दम का भरोसा की, दम का भरोसा दम आवे ना आवे जाके पता दे करो। ओके, आप कुक हैं? कुक सर्विस। मैं तो यह लगता है स्कूल बच्चे प्रैप, छोटे बच्चों के स्कूल नहीं होंगे, उन्होंने कन्ना तो लिखा होता अमानत में ख्यानत, एक चुप ते सौ सुख, तू लंघ जा साडी खैर लाहौर ते साडा शहर, दरवाजा प्लीज होली बंद करे केड़ा। यार मूछे हो तो नथू लाल जैसी है, स्पीड मेरी जवानी, ओवरटेक मेरा नखरा, फासला ना रखे प्यार होने दे। देखो जरा दिल ले जा निक्की जी हाँ करके, पंगा इज नॉट चंगा, दिल बराए फरोख्त कीमत सिर्फ एक मुस्कुराहट, वो देखो मस्तानी जा रही है। इतने की स्पेशलिटी स्पेशल डिश केड़ी है? स्पेशल डिश सर साड़ी होएगी खड्डा मटन। हैं? खड्डा मटन, खड्डा रोस्ट। खड्डा मटन? हाँ जी। खड्डा मतलब की? खड्डा मतलब है कि वो खड्डे दे बीच जे रहना, कोले लगा के अग लगा के। अच्छा मैं कैसे आते खड्डा होएगा ते उदे अगे मटन पिया होएगा, तुसी पहले खड्डे च डिगना है, तुसी डिगोगे तुहाडा मुंह सीधा मटन च वजेगा। नहीं, खड्डे च मटन रख के असीं उहनूं उतों नपना है ते उहनूं 3 घंटे बाद। अच्छा पण तुहाडा कुक दस रहा सी कि तुसी एक करैक्टर बकरा टाइप नपिया भी है किते, उहनूं ही खड्डा कंटन कहिंदे ने। ओ कदों कि निकलेगा? बस होर अद्धे पौणे घंटे नूं। साहब तुसी पहले भी अद्धा पौणा घंटा कहिआ सी, अद्धा घंटा पहले भी। ओ जिहदे दस्सिआ ना जानी साहब आए नूं बाहर आउण दा नां नहीं लै रहे, तुसी उहदे च हत्थ पा के कोई इन्ना किते कड्डो ना मेरे। मैं कोशिश करना कोई हत्थ आ जावे। चलो मेरे उहदी लत्त लुत्त को कड्डो। पूरा बकरा जी? पूरा बकरा नपिआ? नपिआ। ये पहले तुसी बकरा किसे बंदे दा नपिआ है, उस तो बाद तुसी लिया के इत्थे नपिआ है, ये जिहदा तुसी असल नपिआ है पिछों, वह कौन सही गल। लो जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर, इधर आए आप। गेम शो होगा, आपने एक ही सांस में, भाई जाना आप भी उठे जरा, एक ही सांस में वहां से लेके वहां तक सारा कुछ पढ़ना है बगैर रुके। अगर आपने पढ़ लिया मैं आपको 500 रुपया दूंगा, अगर आप कहीं भी रह गए आप मुझे 200 रुपया दे देना। डन हो गया? पहले नहीं सीखना, नहीं पहले ये माइक पकड़े। 1 2 3 नेक फुल मोतिये दा मार के जगा सोनी है, ओ चिट्टी गोरी लस्सी जई मैं काला कोजा चाह वरगा, किसी के साथ इतना चिपक चिपक कर भी सेल्फी ना लो के कट्टी होने पर क्रॉप भी ना कर सको, 5 मिनट स्नूज वाली नींद की कीमत तुम क्या जानो लारम बाबू, जब उसकी ज़िंदगी में कोई और आ गया, रिक्शा चलाने में लाहौर आ गया, रिक्शा चला रहा हूँ कोई गोली तो नहीं, हुसन मेरा क्लैशन को सोनिया मशूक होवे ते हाथ विच बंदूक होवे, लहंगा है महंगा मेरा आ जानी साइकिल ते। भाईजान ये अड़े हैं? नहीं अरे, मैं नहीं फैसला करूंगा भाईजान, जिस तरह मैंने पढ़ा है इन्होंने उस तरह पढ़ा है, बीच बीच में अड़ते रहे हैं, बीच में थोड़ा रुक के पढ़ा। ओके 200 रुपया दे दो भाई।
भाई ये मैं तो नहीं यहाँ, मेरा कोई। अच्छा जी आप बताएं भाई। नहीं नहीं अड़े हैं थोड़ा सा जी। भाई जान 200 रुपया दे दे भाई। मेरी ये मेरी टीम है यार। बिल्कुल ठीक पड़ा है, बिल्कुल ठीक पड़ा है। उसने नहीं, अड़े नहीं है, ठीक तो पड़ा है। नहीं अड़े एक सेकंड के लिए भी नहीं अड़े। और मेरा ख्याल है कि आपसे यार ये लो तो 500। एक मिनट ठहर जा भाई जान। एक सेकंड के लिए एक अड़े ही नहीं है। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं अड़े। अल्लाह माफ करें। नहीं नहीं यार ये कर रहे लोग यार सर। की बात कर रहे हैं आगे पे जाके तो कोई भी अड़ जा। भाई जान इधर आ जाएं, आप किधर बैठ गए। ये ले 1000 रुपया करो। चलो मैं 1000 देंगा, तुम 500 देना। मैं 1000 देना, तुम 100 देना। अब डबल ये डबल। हां 1000 भाई 1000 और 100 डबल होता है। नहीं नहीं आप 500 को 1000 करें, डबल है ना। हां डबल। 100 का डबल क्या है? 200। 200 का आधा क्या है? 100। तो मैं क्या दे रहा हूं आपको? 100। तो बस ठीक है। तो मैंने कितने देने? 1000। 1000 देना मैंने? नहीं हिसाब गलत नहीं। सब लिया है भाई जान। चलो 200 और 1000। यार अड़ना नहीं है, नहीं करना। आहिस्ता तेज का तो मसला नहीं है। आहिस्ता बात करें। नहीं ऐसे नहीं। ओ जट्टी गोरी लस्सी। आप इस तरह ऐसे शुरू करें। नहीं करें भाई स्पीड। ओ जट्टी गोरी लस्सी। ओ जट्टी गोरी लस्सी जी इधर आ जाए। चलें जी आप देखें। नेक फुल मोती है ना मार के जगह सोनी। चिट्टी गोड़ी लस्सी कम मैं काला जादू कोजा वर्गा किसी दिन नाल इतना चिपक चिपक कर भी सेल्फी ना लिया करो। नजर नहीं आ रहा मुझे, मैं बाकी कह रहा हूँ उसको साइड नजर नहीं आ रहा मुझे तो लिखा नहीं कहीं। वही तो कह रहा हूँ उसको साइड पे कर। तो पहले भी आप लफ्जों को खराब पढ़ रहे हैं भाई। आप यार ओ यार पैसे क्या हुआ? पैसे 200। दोबारा खेलना है इसको। 2000 देना पढ़ने पे भाई। इधर आ ये पकड़ माइक आगे कर भाई। उधर से कामयाबी से शुरू होना है। और ये कुर्सी इधर करना भाई, ये कुर्सी इधर करना। और सुख तक जाना है। कामयाबी की साथ की स्तनो की मैनू की ए की ओ की प्यो। हाँ बस एदा नहीं। आ, 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 नहीं। सोर दे। सोर दे बस तो दे ही नोट। हैं? और कोई खेलेगा भाई? खेलेगा कोई? मैं देता हूँ ये पकड़। तेरी तरफ 100 है मेरा। जुआरिया लग रहा है मेनू किड्डी स्पीड ना खेल रहे हैं। भाई आप खेलेंगे भाई? यार आ जाओ खेले। ओ यार आज फन नहीं करना है यार, क्या भूल भी जाओगे तो क्या होगा। आए यार। अच्छा वो पहले ना सारा हिसाब ला के याद कर रहे हैं। माइक आगे करो भाई। भाई ने सैड तो जाना, तेनू भी पढ़ देना बेच। 1 2 ऊंची आवाज में पढ़ना है। 1 2 3 कामयाबी की साथ की तेनू की मैनू की है कि यो की होया की ते फिर की सानू की। जिंदगी में जब भी मुश्किल काम है ना ब्रेक ने साथ दिया ना कोई गेयर काम है। स्पीड मेरी जो है नहीं बड़े मेरा खरा फासला ना करे प्यार दे दिल ले जा निकी हाजा करके पंगा इज नोट चंगा दिल ब्रैफर कीमत एक मुस्कुराहट वो देखो मस्तानी जा रही है। गेयर लगा देता हूँ क्लच पड़े हुए यार तेरे अन्य याद ना एक्सीडेंट करवाएगा नसीब अपना अपना माँ की दुआ जानती के वह हम चले दुश्मन चले देख मगर प्यार ही आ गया। ठीक है तो उसके सामने जो दरवाजा प्लीज होली बंद करे मुझे तो नजर आ जैसी तो वो जो वो एक चुपते सो सुख यार ये मैं ना 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 1000 नहीं मैंने कहा मुझे 100 मिला है ज्यादा। मैंने बात ही नहीं मैं गल की थी ना मैं 200 देना सी तुसी 500 एक ने गल की थी। नहीं नहीं एक कितना कर लो मेरी गल सुनो तुसी खेल मेरा 100 फाड़ के होते कितना कर लो उधर बैठ के मैं खलोता सी ओ उधर दी गल सी पाए ना 100 फड़ो। चलो नाजरीन मैं करैक्टर और ढूंढता हूँ भुख मैनू लगी जा रही है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। जाना कहीं नहीं है। वो जो दबा हुआ है ना मटन दबे दबे से वो हम आपको दिखा के खाऊंगा मैं और आप वो चेक करो। लेकिन मैं आपको जेन्युइन सही बताऊंगा कि ये कैसा है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।